चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ त्रिपुरा की सबसे बड़ा फेस्टिवल में से एक, खारची पूजा फेस्टिवल में। क्या बात है यहाँ पर होते हैं हजारों हजारों लोगों की तादाद। तो ये जो फेस्टिवल है पिछले 2 सालों से बंद था क्योंकि कोरोना का सिचुएशन चल रहा था यार। तो आज ये फेस्टिवल पिछले 2 साल बाद फिर से चालू किया गया है और ये त्रिपुरा का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और सबसे बड़ा फेस्टिवल में आपका भाई नहीं जाए, आपका भाई की एंट्री नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ये फेस्टिवल जहाँ पर होने वाला है उस जगह का नाम है पुराना अगरतला खयारपुर। मेरे घर से जिसका डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हूँ, ये जो फेस्टिवल है 7 दिन रहता है, एक हफ्ता। तो 7 दिन का आज लास्ट डे है और लास्ट डे में मैं जाने वाला हूँ। तो ये जो ब्लॉग है फुल्ली सिनेमेटिक बनेगा क्योंकि हज़ारों लोग आने वाले हैं यार। ऐसे बात करके कैसे ब्लॉग बनाऊँगा, ठीक है ना। तो फुल्ली सिनेमेटिक बनेगा, आई थिंक ये जो ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सो गाइस, ये है त्रिपुरा खयारपुर का खर्ची पूजा का मेन गेट। तो हम लोग धीरे धीरे मेले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके लोगों का भीड़ दिखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुका है। अभी फिलहाल 7 बजे हैं। सो गाइस, ये जो मंदिर है इस मंदिर का नाम है चतुर देवता का मंदिर। लोगों का कहना है कि इस मंदिर पे जो मूर्तियां है वो मूर्तियां सोने से बना हुआ है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ पर मंदिर पे आ चुका है और घंटियां बजा रहा है और अपना प्रार्थना कर रहा है। और मंदिर के सामने एक पॉन्ड भी है। लोगों का कहना है ये जो मूर्तियां है इस पॉन्ड से ही मिला है एक टाइम पर। तो आप लोग देख सकते हो इस मेले पे देश विदेश से सन्यासी का आगमन भी हुआ है। और यहाँ पे साधु सन्यासी के द्वारा संकीर्तन का भी आयोजन किया गया है। और इस मेला का हर दर्शनार्थी अपने भगवान को पेरे से भोग लगाते हैं, आप लोग देख सकते हो। और इस मेले पे जो लोग सर्कस दिखाते हैं, नगरदला कहते हैं जिसको, ये लोग ना तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेला है ना त्रिपुरा का नंबर 1 मेला है। ये जो मेला है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आयतन पे बैठा है ये मेला। तो आप लोग देख ही सकते हो, शायद इसलिए इस मेले को त्रिपुरा का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो ये जो सीन है रात को 11 बजे का सीन है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं अभी तक। और हो गया क्यों नहीं, आज लास्ट डे है, आप लोग देख ही सकते हो। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तक बहुत कुछ होने वाला है इस ब्लॉग में। आप लोग देख ही सकते हो इस मेले पे लास्ट दिन पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ये जो मेला है ना इस मेले पर आप सब कुछ अवेलेबल है। आप अगर कुछ भी खरीदना चाहो, अगर आप कुछ भी मतलब कुछ भी कार गाड़ियाँ कुछ भी अगर खरीदना चाहते हो तो इस मेले से आप खरीद सकते हो। आप लोग देख ही सकते हो, अभी ये जो सीन है रात को 2 बजे का सीन है, अभी भी लोग है मेले पे। तो फाइनली गाइस, हम लोगों का घर जाने का टाइम हो चुका है। अभी मैं अगले दिन 7 बजे यहाँ पर आया था और अभी सुबह का 4 बज चुका है। और ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट पे बताना है, ऐसे ऐसे दमदार मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलते हैं, बाय।